एक्सेल के डेटा टेबल में काम कर रहे हो और अगर फॉर्मूलास को आपको एन तक लेके जाना है तो आप सिर्फ ऑप्शन को ड्रिल डाउन नहीं करना है, आपको उसके बदले सीक्वेंस फॉर्मूला यूज करना है. फॉर एग्जांपल, दिस इज द डेटा आई हैव इन द गूगल शीट. ये जो फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ ये दिस विल वर्क आउट इन द गूगल शीट नॉट इन द एक्सेल. ओके, सो नाउ आई एम ट्राइंग दिस आउट इन सीक्वेंस. सीक्वेंस, so you have a data in your Google sheet, okay, and you want to add a number like 1, 2, 3. So what you will do, आप इसको select करके इसको drop down को option में end तक लेके जाओगे तभी आपको number आएगा. But what if you have deleted one column? अगर आपने एक column delete करनी है तो उसके बाद क्या होगा कि जो आपने data आपने add किया है वो mismatch हो जाएगी, आपकी जो numbers है वो mismatch हो जाएगी. So in that scenario what you have to do, in the Google sheet you have an option to use the formula called sequence, sequence, bracket open, and then it is asking you row, kitni row tak aapko number chahiye. For example, I want a number till 15, so I'm just entering a 15 and I'll just close my bracket, so automatically it will give the number. So agar maine iske aage maine kuch bhi data bhi add kiya, abhi samjho maine ye data add kar diya, okay. Let me just copy some item and paste it over here. Okay, so I don't have to worry. अगर आपको आप चाहते हो कि मेरी जो रेंज है, मैंने जो भी डेटा एंड तक ऐड किया, आपका डेटा फॉर एग्जांपल 50 तक है एंड यू वांट दैट दिस डेटा टू बी पेस्टेड एज इट इज, सो फॉर एग्जांपल लेट मी जस्ट पेस्ट इट, एंड अभी आपको सीक्वेंस चाहिए तो व्हाट यू हैव टू डू इज सीक्वेंस. Now for example, you want a number for entire data. So let's, आपके पास जितना भी data है एंड तक आपको पूरा number चाहिए, आपको number नहीं पता कितना है, आप दे for example 300, 400 है, you don't know. So what you have to do is, again you have to use the sequence formula, bracket open, okay, count A. In that you have to give a formula called count A, okay, and then you have to select the range. सेलेक्ट द रेंज जहाँ तक आपको ये नंबर चाहिए, अभी मुझे यहाँ पे 25 तक चाहिए तो मैंने सेलेक्ट कर लिया एंड देन एंटर. सो सिस्टम हैज कैलकुलेटेड ऑटोमेटिकली माय नंबर रेंज. अगर मेरा पूरा डेटा होता 500,000 तो भी मुझे ये सिक्वेंसिंग नंबर देता. सो इंस्टेड ऑफ ड्रैगिंग डाउन पुलिंग इट आउट, सो इंस्टेड ऑफ 1, 2 एंड देन यू ड्रैग दिस ऑप्शन, ट्राई द सिक्वेंस फॉर्मूला विच विल सेव योर टाइम एंड यू कैन वर्क स्मार्टली. होप ये सीक्वेंस फॉर्मूला हैक आपको पसंद आया है, इससे आपका मैनुअल वर्क कम हो जाएगा और आप स्मार्टली एक्सेल में काम कर पाओगे. अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिए.